इस बार हमने और दो तीन नया फीचर उसमें से जोड़ा। हमने आयोजन किया है भारत की सारे महामहिम राज्यपाल अपने राजभवन में उस राज्य की बच्चों को इकट्ठा करके, अभिभावक बच्चे और शिक्षकों को इकट्ठा करके परीक्षा पे चर्चा को और एक कदम आगे लेना चाहिए। इस बार उसके आयोजन किया जा रहा है। सारे राज्य सरकार ऐसे कुछ चुनिंदे विषय रहते हैं जहां एक यूनानिमिटी रहता है, बच्चे डिस्ट्रेस हो उसमें से किसी की कोई आपत्ति नहीं रहती है, इसलिए सभी राज्य सरकार उसको मदद भी करते हैं। हम विदेश में हमारे जो मिशन है जहां इंडियन डायस्पोरा ज्यादा है, जैसे गल्फ इलाका में है, कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में है, विदेश की मिशन के अंदर भी परीक्षा पे चर्चा की लाइव स्ट्रीमिंग किया जाएगा। जितने सारे हायर एजुकेशन की सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल की जितने सारे इंस्टीट्यूशन हैं, ऐसे सारे शैक्षणिक संस्था हेल्थ मिनिस्ट्री के प्रबंधन में चलने वाले मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग स्कूल्स, भारत सरकार के अन्य अन्य शिक्षा संस्थान और उनकी पार्टनरशिप में चलने वाले राज्यों के शिक्षण संस्थान, ये सारे स्थान पे परीक्षा पे चर्चा की कार्यक्रम को आयोजन किया जाएगा। अभी तो मित्रों उसमें से 9 से 12वीं तक, 9 to 12 तक स्टूडेंट की बारे में डीप फोकस होकर चर्चा होती है, चर्चा पार्टिसिपेटरी होती है, चर्चा ही होती है, पीएम साहब और विद्यार्थियों की डायलॉग होती है। ये लक्ष्य यही है और इस बार तो उसकी महत्व और बढ़ी है। कोरोना की उपरांत पोस्ट कोरोना फेज में ठीक ठाक इस बार परीक्षा होने वाला है। पिछले 2 साल कोरोना की इंपैक्ट के कारण ऑनलाइन ऑफलाइन बिना एग्जामिनेशन की पास, ये सब हमको मजबूरन करना पड़ा है। लेकिन शिक्षा विशेषज्ञों की एक स्पष्ट अभिमत है, एग्जामिनेशन इन्विलिजेशन के साथ तो प्रोक्टर्ड बेस्ड हो, शायद भारत में मैसिव वैक्सीनेशन के कारण, सोसाइटी की सहयोग के कारण आज स्थिति धीरे धीरे नॉर्मल होने की ओर बढ़ा है, इसलिए इस बार एग्जामिनेशन की अपने आप में और महत्व है। इसी बैकग्राउंड में परीक्षा पे चर्चा निश्चित रूप में विद्यार्थियों को, विशेष करके नई पीढ़ी की आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करेगी। मैं आप लोगों के माध्यम से समाज की सारे स्टेक होल्डर्स की, विशेष करके यंगस्टर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, इन सभी लोगों की और सोसाइटी एट ए लार्ज सभी का सहयोग आपके माध्यम से मैं अपेक्षा रखता हूं। आप लोगों की भी कोऑपरेशन में अपेक्षा रखता हूं। इस इंस्टीट्यूशन को भारत में स्थापित करने के लिए आपकी भी एक भूमिका रही है, इस बार भी आप हमें इसमें मदद करोगे। यही 2-3 बात आप लोगों के सामने रखना था।